हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने टेक्नो के फ़ोन में जो अलार्म साउंड होता है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड को चेंज करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वैसे वीडियो को हम सिंपली शुरू कर लेते हैं। तो कैसे देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जहाँ वैसे टेक्नो का फ़ोन है, टेक्नो के फ़ोन की वॉल्यूम सेटिंग होती है उसको हमें ओपन करना है। तो वैसे सिंपली हम ये सेटिंग्स है इसको हम ओपन कर देते हैं। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद अगर इसको छैसा इंटरफेस आपके पे शो होगा, तो वैसे हमको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है हल्का सा। स्क्रॉल करने के बाद अगर यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन शो होता होगा, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो सिंपली इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको नीचे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो सिंपली हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कि यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन साउंड होते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के शो हो जाएंगे। कम से कम कैसे यहाँ पर आपको 20-25 तरीके के नोटिफिकेशन साउंड सिंपली शो हो जाएंगे। तो वैसे सिंपली हम कैसे किसी भी चेंज करते हैं, राइट शब्द पर क्लिक करते हैं। राइट शब्द पर क्लिक करने लगे का ऑप्शन शो होता होगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे तो कहीं जो हमारा नोटिफिकेशन अलार्म साउंड होता है वो हमारा सिंपली चेंज हो जाएगा। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।